मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और अप्रैल और मई में हमारा ये महान देश, इसके मतदाता आने वाले 5 साल तक इस देश का शासन किस पार्टी के साथ होगा, किस व्यक्ति के पास होगा, इसका निर्णय करने वाले हैं, फैसला करने वाले हैं। और वो जो फैसला करने वाले हैं उसमें आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इस जमाने के चुनाव में जितना महत्व घर घर घूमकर प्रचार करने वाले कार्यकर्ता का है, इतना ही महत्व सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाने वाले कार्यकर्ता। मित्रों, देश की जनता ने एक प्रकार से तय कर लिया है, मैं करीब करीब देश के सभी राज्यों से होकर यहां आया हूं, जिस जिस कोने में गया, जिस जिस हिस्से में गया, जिस मत क्षेत्र के अंदर गया, हर जगह देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था। युवाओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। महिलाओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। गरीबों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। किसानों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मगर मैं आज आप सभी को मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि चुनाव तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करकर 12 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताने का चुनाव। हम सब 400 पार का लक्ष्य तो याद रखें, 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु ये 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलंगाना की जनता ने। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश को राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया है। आया गया राम की पॉलिटिक्स को समाप्त कर एक छत्र नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली 10 साल तक सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। मैं बाद में बात करूंगा टीआरएस और कांग्रेस की, लाखों करोड़ों रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार इनके सामने आरोप हुए, नरेंद्र मोदी जी पर 25 पैसे का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सके। नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण की नीतियों वाला शासन दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाने का काम किया है। हम जब शासन में आए 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज फिर से चुनाव में जा रहे हैं, 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया है मित्रों। और मैं आपको मोदी गारंटी बताने आया हूं, मोदी जी का गारंटी है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, दुनिया में तीसरे नंबर का इकोनॉमी हम बन जाएंगे। मोदी जी ने सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी देने का काम किया है और मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को गरीबी का पूरा दुख भोगने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। आज भारत स्मार्ट डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है, फिनटेक में नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट है, तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है,
और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है मित्रों। ये गौरव मोदी जी ने दिया है। मोदी जी के ये 10 साल सारे वादों के समाप्ति के 10 साल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, 2019 में हम मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, संकल्प पत्र घोषित कर रहे थे। उस वक्त पत्रकार पूछते थे पहला पेज तो ऐसा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं भी निरुत्तर था। पहले पेज में क्या था, क्या था हमारे संकल्प पत्र के पहले पेज में? पहले पेज में था अयोध्या में भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। 500 साल से पूरे देश के सभी श्रद्धालु चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो और रामलला सम्मान के साथ अपने मंदिर के अंदर विराजमान हो। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, भटकाती रही, लटकाती रही। अरे आपने तो बनाया नहीं मंदिर, मोदी जी ने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा थी, आपको निमंत्रण दिया, आप उपस्थित भी नहीं रहे। वोट बैंक की लालच से आपने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। मित्रों दूसरा वादा क्या था, कश्मीर से हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर चलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। युवा मित्रों मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण धारा 370 हटाती नहीं थी। मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त कर दिया। हमने तीसरा वादा किया था ट्रिपल तलाक को हम समाप्त कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी, लाखों करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों के साथ अन्याय होता था। मुस्लिम की बात करने वाले, माइनॉरिटी की बात करने वाले मुस्लिम माताओं की आवाज नहीं सुनते थे। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया और देश में सभी को अधिकार मिला। मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी सालों तक सत्ता पर रही परंतु उनको 33% आरक्षण रिजर्वेशन नहीं मिला। मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा में मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम। और अभी अभी कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टिकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म,
उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको दिया है। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 10 साल पहले मैं जब यूपी का इंचार्ज था 2014 में, सोशल मीडिया की ही मीट थी, इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी। आगरे में छोटा सा हॉल था, 300 सोशल मीडिया वॉलंटियर्स थे। सारे लोग कहते थे हमारे लिए फोन बड़ा महंगा पड़ता है और डेटा का रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। आज मैं आप सभी मेरे साइबर योद्धाओं को कहना चाहता हूं, आपके हाथ में आज मेक इन इंडिया का फोन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी को दुनिया भर में पहुंचा रहे हो। ये डिजिटल क्रांति नरेंद्र मोदी जी ने लाई। मित्रों, आज तेलंगाना की जनता ने फैसला एक प्रकार से तीन पार्टियों के सामने भाजपा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी, टीआरएस और मजलिस। मगर मैं कहता हूं ये तीनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, तीन पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है। एक कांग्रेस पार्टी, दो टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को तीन है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करते हैं। मुझे भाइयों और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, ये तीनों पार्टियां एक है। सिर्फ एजेंडे में नहीं, तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां है। कांग्रेस पार्टी चार पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यहां केसीआर और केटीआर, और यहां पर भी मजलिस में भी चार तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। ये पार्टियां तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये पार्टियां एक ही एजेंडे पे चलती हैं। ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, अथवा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। भाई और बहनों, अभी यहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कहने आया हूं, भैया जरा आपकी पार्टी के घोटाले को मैं लिस्ट देता हूं, तुम जरा तेलंगाना की जनता को जवाब दो देना। कांग्रेस पार्टी ने कॉल ब्लॉक का घोटाला किया, कॉमन वेल्थ का किया, 2G का किया, शारदा चिट फंड का किया, हिमाचल की सेब की बिक्री का किया, INX मीडिया का किया, एयरसेल का किया, लैंड फॉर जॉब का घोटाला हुआ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हुआ, एम्ब्रायर डील का घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड का हुआ, सबमरीन का घोटाला हुआ, बॉफोर्स घोटाला हुआ, मारुति घोटाला हुआ। घोटाले की लिस्ट इतनी लंबी है, एक कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। और ये टीआरएस ने भी
तेलुगु ब्राइड के नाम से सत्ता पर आए और लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। मैं इनकी भ्रष्टाचार की लिस्ट मेरे पास है मगर मैं बताना नहीं चाहता। ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं मित्रों, ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकते। ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं और ये दो तीनों पार्टियां तेलंगाना को विकसित तेलंगाना नहीं बना सकती। ये तीनों पार्टियां का एजेंडा अलग है, परिवारवाद के साथ अपने परिवार का भला करना। मुझे बताओ, जो अपने बेटों बेटी के लिए राजनीति में है वो तेलंगाना का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? तेलंगाना का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाई और बहनों, मोदी जी देश के सबसे गरीब घर में चाय बेचने वाले के बेटे के रूप में जन्म लेकर आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं मोदी जी। 23 साल से मैं बरोबर देख रहा हूं, ये व्यक्ति ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 23 साल से ये व्यक्ति गरीबों के कल्याण का काम करा है और 23 साल से ये व्यक्ति सीएम भी रहा, पीएम भी रहा, उसके जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के गरीबों के विकास के लिए समर्पित किया, जिन्होंने पूरा जीवन एक क्षण का भी विराम करे बगैर भारत माता की सेवा में लगाया, एक और वो है और एक और राहुल बाबा है। हर 3 महीने में 45 दिन की छुट्टी मनाना है। मोदी जी ने कहा भाई छुट्टी सभी लोग भारत में मनाए, मगर ये कहां मनाते हैं? इटली मनाते हैं, रोम बनाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनको जरा गर्मी लगती है। भाई और बहनों, ये जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती, ये जमात कभी तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। और मैं आज यहां आया हूं तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछने आया हूं, आप जरा बताइए, 10 साल आपकी सरकार थी, 10 साल में आपने तेलंगाना के लिए कितना खर्च किया? मित्रों, 10 साल में संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया था। कितना खर्च किया था? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने अकेले तेलंगाना के लिए 2,42,000 करोड़ का खर्च किया है। एक दृष्टि से देखे तो 3 गुना खर्च होता है और इसके साथ साथ लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा रोड, एयरपोर्ट, पेट्रोल की लाइनें और कई सारी यूनिवर्सिटियां, कई सारे इंस्टीट्यूट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और तेलंगाना का विकास करने का काम। मित्रों, इनके पास पास्ट परफॉर्मेंस भी नहीं है, इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इनको पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, क्यों 60 करोड़ लोग बैंक अकाउंट के बगैर थे, जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 13 करोड़ महिलाएं क्यों गैस का सिलेंडर नहीं मिला था, उनके पास जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 14 करोड़ घरों में शौचालय क्यों नहीं था, इनके पास जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 14 करोड़ घरों में नल से जल पीने का पानी क्यों नहीं था, जवाब नहीं देते हैं। इनको पूछते हैं 60 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों नहीं मिलता था, जवाब नहीं है। पर मोदी जी ने 10 साल में सारे जवाब दे दिए। आज 60 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट दिया, 13 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, 3 करोड़ लोगों को घर दिया और 60 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर
5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने फ्री कर दिया। आपने देखा होगा राहुल बाबा कोरोना में भी मजाक उड़ाते थे, कोरोना में कहते थे कि तो मोदी वैक्सीन है, इसको मत छुओ। मगर मोदी जी ने अपील की, पूरी देश ने वैक्सीन ली और आज देश कोरोना से सुरक्षित बाहर आ गया। मित्रों, ये मोदी जी ने ये पूरे देश को सुरक्षित करने का, सिर्फ कोरोना से सुरक्षित नहीं किया, पाकिस्तान से आए दिन जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे और मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने उरी और पुलवामा में किया, इनको मालूम पड़ा कि क्या होने वाला है, वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 10 साल के अंदर मोदी जी ने एक नींव डालने का काम किया है। जैसा मैंने कहा, इनके पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास भविष्य का एजेंडा भी नहीं है। हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का भविष्य का एजेंडा भी नरेंद्र मोदी जी के पास। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 130 करोड़ की जनताओं को और विशेषकर युवाओं को आह्वान किया है कि 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त ये देश विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता बैठी होगी। हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा। ये लक्ष्य लेकर मोदी जी चले हैं। एक और ये इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन और टीआरएस जैसी पार्टियां अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए परिश्रम कर रही है। भाई और बहनों, आज मैं आया हूं आप लोगों को अपील करने के लिए। मोदी जी ने डेटा का बिल बहुत सस्ता करा है, बिल की चिंता मत करिएगा। एक शर्ट कम पहनिएगा, मगर ये 45 दिन तक मई अंत तक सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा को और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को तेलंगाना के हर युवा के साथ पहुंचाने का काम आपको करना है। आज इस सभागार से जाने के बाद हर युवा, हर भाई, हर बहन ये तय कर जाए, 400 पार तो करना ही है, मगर ये 400 में 12 तेलुगु कमल तेलंगाना से भी भेजना है। मुझे बताओ, ये संकल्प लेकर यहां से जाएंगे? अरे यार, जोर से बोलो, जाएंगे? 12 सीट जीतने का फैसला करते हैं? जोर से बोलिए, करते हैं? मोदी जी को 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तेलंगाना में 12 से ज्यादा भाजपा सांसद जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, 12।